नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सनबर सुल्ताना, कॉल फिल्म मिरर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है मुलाकात ना हो तो अच्छा है। सोच रही हूँ तुझसे अब मुलाकात ना हो तो अच्छा है, सोच रही हूँ तुझसे अब मुलाकात ना हो तो अच्छा है। दूरियां सहने की तो आदत सी पड़ गई है मुझे, दूरियां सहने की तो आदत सी पड़ गई है मुझसे, अब तो मेरे पास ना हो तो अच्छा है। सोच रही हूँ तुझसे मुलाकात ना हो तो अच्छा है। दूरियां रहे तो सही है, दूरियां रहे तो सही है, पर मिलकर कोई राज ना हो तो अच्छा है। सोच रही हूँ तुझसे मुलाकात ना हो तो अच्छा है। बहुत दिनों से छिपी पड़ी है बात दिलों की, बहुत दिनों से छिपी पड़ी है बात दिलों की, आज खुलकर वो बात ना हो तो अच्छा है। सोच रही हूँ तुझसे मुलाकात ना हो तो अच्छा है। मिलकर तो बड़ी खुशी होती है, मिलकर तो बड़ी खुशी होती है, पर बिछड़कर मन उदास ना हो तो अच्छा है। सोच रही हूँ तुझसे मुलाकात ना हो तो अच्छा है। धूपल के उस खुशी के पीछे अनजान लम्हे बर्बाद ना हो तो अच्छा है। सोच रही हूँ तुझसे मुलाकात ना हो तो अच्छा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदिनी कुमारी साहू, स्वागत है आप लोग का CFM वीक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केरल में जो दुर्घटना हुई है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि इंसानियत मर ही गई। इंसानियत तो उस जानवर ने निभाई जो इतने दर्द के बावजूद उसने ना ही किसी के घर तबाह किए और ना ही किसी की जान ली, बस उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए नदी में छाला। आइए मैं अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से उनके लिए, उस माँ के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है एक माँ की उम्मीद। एक माँ चल रही थी भोजन की तलाश में, भटकते भटकते पहुँच गई एक गांव के पास में। भूख मिटाने बच्चे की फंस गई वह धोखे की जाल में, कर बैठी भरोसा इंसान के रूप हैवान में। देखकर उसने फल का टुकड़ा खा लिया बिना संदेह के, भूख मिटाने उस बच्चे की जो थी उसके गर्भ में। मिली थी उसमें आतिशबाजी, फूट गई उसके मुंह में, दर्द से वह पीड़ित हुई फिर कूद गई नदी में। लगाकर इस उम्मीद से कि बचाकर वह खुद की जान, बच जाए उस बच्चे की प्राण जो पल रही थी उसी में। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शारदा दास, CFM न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज अपनी संरचित कविता आप सभी के सामने पेश करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा क्या कसूर था। मेरी कविता हाल ही में हुई केरल की उस घटना पर आधारित है। मेरा क्या कसूर था, मैं बेजुबा जानवर ना समझ थी जो खाने की तलाश में निकली थी। तुम मुझे खाना नहीं भी देते तो मैं भूखी रह लेती, पर तुम इंसानों ने मुझे मार डाला। क्या तुम्हें मेरा जान लेना मंजूर था, अब तुम इंसान ही बताओ कि मेरा क्या कसूर था। मैं भूखे प्यासे इस कड़ी धूप में चली जा रही थी क्योंकि मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। क्या तुम इंसानों की इंसानियत मर गई, जिसने इतना घिनौना काम किया फिर भी शर्म तक नहीं आई। मैं इंसान नहीं जानवर हूँ, इस बात का मुझे बहुत गुरूर था। आज मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा भी मुझसे पूछ रहा है, माँ इंसानों ने हमें मार डाला, हमारा क्या कसूर था। तुम लोगों ने मुझे फल में बम मिलाकर धोखे से खिलाया, मेरे शरीर के साथ साथ मेरी रूह तक को भी जलाया। मैं इतनी दर्द में थी कि चीख भी ना पाई, तुम इंसानों ने मुझे उस हद तक तड़पाया। तुम लोगों की इंसानियत किस गुरूर में चूर था, मेरी जली हुई शरीर और तड़पती हुई रूह भी पूछ रही है कि बताओ मेरा कसूर क्या था। मैंने हमेशा अपने आंसुओं को खामोशियों से बहाया, जब तुम लोगों ने मुझे जंजीरों से पकड़कर सर्कस में नचाया। मैंने हमेशा अपना दर्द छुपाकर तुम लोगों का मनोरंजन बढ़ाया, पर आज जो तुमने किया वो इंसानियत से भी बहुत दूर था। आज मेरी आत्मा भी खून का आंसू रो रहा है, बताओ मेरा क्या कसूर था। जंगल तो तुम्ही लोगों ने छीन लिया, पेड़ पौधों को तुम लोगों ने अपने मतलब के लिए काट दिया। अब जो मैं भूखे प्यासे सड़क पर घूम रही थी तो तुम लोगों ने मेरा जान ही ले लिया। आज इंसानों को बनाकर खुदा ने भी हम जानवरों से माफी मांग लिया। क्या तुम्हारा जमीर इतना मजबूर था, उस खुदा से मैं क्या बोलूं, बताओ मेरा कसूर क्या था।
सारे जानवर कहते थे कि इंसानों की बस्ती में मत जाना, इंसानों की फितरत में ममता नहीं, पर मैं ही बुद्धू बेवकूफ ना समझती जो उनकी बात ना मानी। अगर मेरा तुम्हारे बस्ती में आना ना मंजूर था तो भगा देते, मुझे और मेरे बच्चों को क्यों मारा, बताओ मेरा क्या कसूर था। मैं अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, इसलिए अपने बच्चे को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रही थी, पर तुम लोगों के कारण मेरी सांसें भी धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही थी। क्या मेरी जान से ज्यादा कीमती तुम लोगों का गुरूर था? कौन बताएगा मुझे कि मेरा कसूर क्या था? मुझे ये भी पता है कि 4 दिन बाद सब मुझे भूल जाओगे, बस 4 दिन तक ही तुम सब अपनी आवाज उठाओगे। तुम लोगों ने मुझे नफरत लौटाई जबकि मेरे दिल में तुम सब के लिए प्यार भरपूर था। कभी फुर्सत में सोचना आखिर मेरा कसूर क्या था। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता कोल्ड फिल्म मिरर की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विश्वासघात के साथ विश्वासघात। उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे साथ विश्वासघात किया। उसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे दिल को तार तार किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे दिल को तार तार किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। जितनी बार विश्वास किया उतनी बार मेरे विश्वास का विश्वासघात किया। दिल में अरमान जगाकर उस अरमानों का गला घोट दिया। दिल में अरमान जगाकर उस अरमानों का गला घोट दिया। बहुत सुकून मिला होगा उसे उस दिन, जिस दिन उसने मुझे बर्बाद करने की सोची होगी। उस दिन बड़ा सुकून मिला होगा उसे जिस दिन उसने मुझे बर्बाद करने का सोचा होगा। पर सफल ना हो पाया होगा, पर सफल ना हो पाया होगा अपने तरकीबों में। क्योंकि जिंदगी में जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं। विश्वासघात उसने किया मेरे साथ, और विश्वासघात उसने किया मेरे साथ, और दुनिया के सामने विश्वासघाती मुझे ठहराया। शर्म कर लो, शर्म कर लो, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक विश्वासघात के साथ कभी ना कभी विश्वासघाती जरूर होगा। धन्यवाद।